क्वेश्चन नंबर है 31। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस। अच्छा, पहले वाले पार्ट वन में 5 क्वेश्चन है, सेकंड वाले पार्ट टू में जो है 7 क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर 12 क्वेश्चन है रेस्पेक्टिवली। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, एक स्टूडेंट जो है उसको कितना 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है टोटल मिलाकर, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कि हर एक पार्ट में से, पार्ट वन पार्ट टू में से कम उसे 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इन हाउ मेनी वे कैन द स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, कितने तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या लिखा है कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट, कंसिस्ट 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन विथ 5 क्वेश्चन एंड अदर विथ 7 क्वेश्चंस, जिसे हम लोग पार्ट टू कह रहे हैं और इसे पार्ट वन कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि ए स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग एट लिस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, है ना, 3 हर एक पार्ट से सिलेक्ट करेगा, कम से कम 3 क्वेश्चन। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो हो सकता है कि पहला जो 5 क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले, तो दूसरा 7 वाले में से उसको आपको कितना करना होगा 5, तभी ना टोटल मिला के 8 होगा। पहले वाले में से वो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले तो दूसरे वाले में से कितना सिलेक्ट करेगा 4, तभी ना 8 होगा। पहले वाले में से 5 वाले में से वह 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेगा तो दूसरे वाले में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, और तो कुछ सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये ना 3 होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, 5 का फैक्टोरियल बाई में 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस 5C4 है तो 5 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5C5 1 हो जाएगा, यहाँ 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसे आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और बाई में 3 का फैक्टोरियल है और 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और नीचे 5 का फैक्टोरियल है यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और बाई में देखिए 4 का फैक्टोरियल है और 1 का फैक्टोरियल 1, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, बाई में 4 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 5 में से 4 गया 3 का फैक्टोरियल। चलिए प्लस, ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल और नीचे देखिए 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू में 4 का फैक्टोरियल। चल देखिए इससे ये, इसे 2 टाइम्स में, ये इससे, ये 3 टाइम्स में, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 10 और 7 3 जा 21 तो 210 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 5 जा 25 25 7 जा
175, 5 से 35, इन सबको ऐड कर देते हैं तो 420 टोटल वेज है।